माई चैनल स्टाइलर कैरियर सो माई सेल्फ विद पूर्ण के सो आप सब आई होप आप फिट फाइन एंड हेल्दी आपके घर में सो अपकमिंग ईद है सो दैट्स व्हाई आई एम हियर विद अ ब्यूटीफुल ईद लुक विद यू जो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको होपफुली आपको अच्छा लगे सो ये एक चिटचैट वीडियो होगा। मैं काफ़ी टाइम से चिटचैट वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ बट हो नहीं पाता है, हमेशा कुछ ना कुछ साउंड ये सब घर पे चलते ही रहता है। दैट्स व्हाई आई हैव टू डू वॉइस ओवर आफ्टर ऑल। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, इज एब्सोल्युटली फ्री एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊं आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सो मैंने अर्ली मॉर्निंग को शावर ले लिया था, मेरा स्किन प्रेप है बट स्टिल बहुत टाइम हो गया, इसी वजह से मैं अपनी स्किन को क्लीन करूंगी एक वाइप के मदद से एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप। एंड नाउ मैं अप्लाई करूंगी ये फेस सीरम एक्वालॉजिक का, एकदम लाइट वेट येट हाइड्रेट आपके स्किन को रखना जरूरी है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई एन अंडर आई क्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकअप के टाइम जब भी मैं अंडर आई क्रीम अप्लाई नहीं करती थी तो मुझे लगता था मेरा अंडर आई एरिया में जब भी मैं मेकअप यूज़ करती हूँ वो बहुत ज़्यादा ड्राई आउट लगता था एंड आई यूज टू फील वेरी प्रॉब्लम, वो कभी कभी जलता था मेरा आईज पे। पर जब से मैंने अंडर आई क्रीम लगाना स्टार्ट किया ना एकदम बंद हो गई ये सब, जो प्रॉब्लम था मुझे थोड़ा सा ड्राई हो जाता था अंडर आईज जो होता है मॉइस्चराइजेशन से नहीं होता है अंडर आई, इसलिए तो अंडर आई क्रीम बनाया है। आई एम गोइंग टू अप्लाई मॉइस्चराइजर, उसके लिए मैं अप्लाई करूंगी एक्वालॉजिक का मॉइस्चराइजर। दिस इज अ वेरी गुड हाइड्रेटेड लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर फॉर एवरी स्किन टाइप, सी बहुत ही लाइट वेटेड है, नॉन ग्रीजी है, हाइड्रेटेड है ये मॉइस्चराइजर। मेकअप जो है कभी अच्छा नहीं होगा, स्किन केयर मस्ट, कभी स्किप मत कीजिए कि जल्दबाजी है सिर्फ एक ऐसे मॉइस्चराइजर लगा दिया और रेडी हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एवरीथिंग नीड अ टाइम, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वो है सनस्क्रीन, सनस्क्रीन मस्ट है मस्ट, विंटर्स हो समर हो सनस्क्रीन मस्ट। आप ईद के लिए तो जाएंगे बट आपको टैन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, साथ में आपको फ्री में टैनिंग मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम लगाएंगे लिप बाम निविया क्या है, इट्स अ वेरी गुड वन। मैंने रमज़ान के मंथ को फास्ट करने के बाद जब सेलिब्रेशन का टाइम आता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट रहता है, थोड़ा बेस ग्लोई चाहिए, इसी वजह से मैं यूज़ करूँगी एनवाई बेकर स्ट्रोक क्रीम, वेरी लिटिल अमाउंट, ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा ऐसा ग्लो भी पसंद नहीं आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। इट्स अप टू यू कि आपको कैसा कितना ज़्यादा ग्लो चाहिए आपके फेस पे। मुझे लगता है ना मेकअप इज़ ऑल अबाउट चॉइस कि मुझे कितना चाहिए होता है, हम तो आपको बोलेंगे कि इतना उतना, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। द शाइन इज सो नेचुरल, कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। फिर मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, ये है कलर बार का प्राइमर, इट्स अ सिलिकन बेस्ड प्राइमर। प्राइमर को ना मैं कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती हूँ फेस में, आई जस्ट टुक इट इन माई फिंगर एंड जस्ट रब इट जेंटली, थोड़ा सा वार्म हो जाता है फिर मैं इसको अप्लाई आई एरिया को भी अप्लाई करती हूँ प्राइमर। स्किन केयर के बाद जो एक बेसिक बेस होता है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है, फिर आपका चॉइस है कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं। ये मेबलिन का फाउंडेशन, क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड इट्स अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली, ये ट्यूब में भी मिलता है आप सबको पता है, ये 300 में आपको मिल जाएगा लोकल स्टोर में या फिर किसी भी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, इट्स वेरी डिमांडिंग एंड मेरा शेड इसमें 115 आइवरी। सो ये ना होने से आपके फेस जो है कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है, आपको कुछ चाहिए नहीं होता है, दैट्स वाई, और एल्स आप सिर्फ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। बट दो दिस इज अ फेस्टिवल दैट्स वाई आई एम यूजिंग फाउंडेशन ताकि अच्छा लगे, फेस्टिवल साल में एक ही बार आता है तो अच्छे से सजना मस्ट मैंडेटरी होता है। तो इसे मैं शेक करूंगी क्योंकि बैठ जाता है रहते रहते एंड मैं अपने बैक ऑफ द हैंड में लूंगी एंड फिर मैं अपने फेस पे इसे स्प्रेडिंग करूंगी, थोड़ा करके ज़्यादा कभी भी मत लगाइए क्योंकि कभी लगता है ना ज़्यादा लगाने से गड़बड़ हो जाता है एंड आपके फेस पे ज़्यादा लग जाता है। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड इन कर लूँगी या फिर आप एक ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, जस्ट सी इट विल ब्लेंड सो इजीली। ना
काफी फाउंडेशन कैमरा में इतना वाइट कास्ट लगता है बट वो रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता है. आई डोंट नो व्हाई. आई एम लुकिंग एट द मिरर, इट्स परफेक्ट एंड स्क्रीन में ना वाइट लग रहा है. आई एरिया में भी लगाऊंगी, जिनको थोड़ा बहुत डार्क सर्कल से वो इसी में ही कवर हो जाएगा. मामा अर्थ का कंसीलर एंड मेरा शेड है इसमें 02 क्रेम ग्लो. अपने अंडर आईज एरिया पे लगाऊंगी, ब्रिज ऑफ द नोज, अपर लिप्स एंड अभी अगर आपको क्रीमी प्रोडक्ट और भी कुछ लगाना है तो अभी लगा लीजिए. इसको सेट करने के बाद इट विल बिकम केक. मेरा आज मन है कि मैं क्रीम ब्रश लगाऊं, सो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मामाअर्थ का लिप चिकन आई टिंट. पसंद है मुझे टिंट. डे टाइम होता है ज्यादातर, ईद में लोग डे टाइम में जाते हैं, नाइट टाइम में भी जाते हैं, ज्यादातर डे टाइम से स्टार्ट हो जाता है इन्विटेशन खाना वगैरह एंड ऑल. सो यहाँ पे मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा टिंट अप्लाई करूंगी थोड़ा ज्यादा अमाउंट में. And this blend so easily, so much. थोड़ा ज्यादा लगाऊंगी क्योंकि मैं उसके बाद कॉम्पैक्ट यूज करूंगी. थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से मैं सेट करूंगी इसको. The shine, wow, I just love it so much. So अभी मैं फटाफट से मेरे बेस को सेट कर लेती हूँ. सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी NY बेका कॉम्पैक्ट. बहुत पसंद है, बहुत अफोर्डेबल है ये कॉम्पैक्ट ब्रश की मदद से. अभी मैं फटाफट से अपने ब्राउज कर लूंगी ये वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ किट से. मेरा अल्टीमेट फेवरेट है ये. लुक अच्छा लग रहा है, सिर्फ ब्राउ फिल इन करने से काफी अच्छा लग जाता है. सो नेक्स्ट आई विल डू माई आई मेकअप. मैं क्या करूंगी पता नहीं. सो मैं यूज करूंगी रेवोल्यूशन का ये पैलेट. ये काफी सुंदर सुंदर सा शेड्स है. सो मेरा जो कुर्ती मैंने चूज किया वो ऑलमोस्ट इसी कलर का कुर्ती है. सो इसी वजह से मैं कुछ ऐसे ही लाइट करने की कोशिश करूंगी क्योंकि ड्रेस भी डार्क है एंड आईज भी डार्क रहे तो अच्छा नहीं लगता. इसी वजह से ये वाला शेड लेके मैं अपने पूरे आई लिड पे लगाऊंगी. हमेशा ना ड्रामेटिक आई करने का जरूरत नहीं होता है. पहले जब मैं मेकअप वीडियोस देखती थी मुझे लगता था हाय क्या ऐसे ही आई मेकअप होता है, इतना टफ एंड इतना कुछ करना जरूरी होता है वरना पीपल आपको नोटिस नहीं करेंगे. बट धीरे 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 जितना तक मुझे समझ में आया कि डोंट नीड टू मच ऑफ ड्रामेटिक मेकअप. रियलिटी लाइफ में ड्रामेटिक जो आई मेकअप होता है वो कोई भी नहीं करता है. आप एक सिंपल से फंक्शन में जा रहे हो, अगर आपका आई मेकअप ड्रामेटिक रहे, कलरफुल रहे तो आपको ही खराब लगेगा, तो ऑड वन आउट लगेगा. इसी वजह से सो जितना आता है सिंपली मैं उतना ही आपके साथ शेयर करती हूँ प्रैक्टिकली जो आप कर सकते हो. सो फिर मैं अप्लाई करूंगी इससे जो डार्कर शेड ये है ये वाला. सो फिर मैं एक शिमरी शेड यूज करूंगी. आई थिंक आई विल गो विथ दिस वन. इसके साथ काफी मैची हो जाएगा. थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी. जस्ट लुक सिंपल सुंदर. एंड लोअर लेट्स लाइन पे मैं ये शेड अप्लाई करूंगी. चिचट करने से वीडियो लंबा होता है बट इंटरेस्टिंग होता है. होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगे मेरी बातें. आई कैन जस्ट होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगे. दैट्स इट. सो नेक्स्ट आई मेकअप कंप्लीट हो गया. फिर मेरा मन है आज लाइनर लगाऊं. मैं यूज कर रही हूँ मामाअर्थ का लाइनर एंड आई नीड मच टाइम टू ड्रॉ अ लाइनर. सो अभी मैं लैशेस को कर्ल कर लेती हूँ एंड मैं यूज करूंगी मेबलिन का लैश सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा. सो अगर आपको
लगता है कि ब्लश कम है तो आप और थोड़ा ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी नेचुरल सा, इसीलिए मैं और नहीं लगाऊंगी। इट्स अप टू यू, अगर आपको लगता है कि और लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। जस्ट सी, सो मैं मेकअप को सेट करूंगी प्लम का फेस मिस्ट से। आई डोंट लाइक मेकअप फिक्सर सो मच, सो अगर आपके पास कोई भी अच्छा मेकअप फिक्सर है यू कैन यूज दिस, बट आई यूज दिस वन एंड जस्ट शेक इट एंड नाउ आई विल डैम अ लिटिल बिट। सो नाउ आई विल अप्लाई हाईलाइटर, अप्लाई करूंगी मार्स का एंड दिस इज माई करंट फेवरेट हाईलाइटर। द शाइन इज सो ब्यूटिफुल, आप इसको अपने इनर कॉर्नर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक एंड आई एम इन द शेड न्यूड न्यूएंस, दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा आउटफिट काफी डार्क है, सो मुझे मेरा मेकअप आई लुक एंड लिप्स बहुत ही न्यूड रखना है उसी वजह से, ताकि एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। ड्राई आउट करने देती हूँ, फिर आपको पता चलेगा इसका रियल शेड क्या है। थोड़ा ड्राई होने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। सो अभी फटाफट से मैं आउटफिट पहन के आती हूँ। सो दिस इज माई ब्यूटीफुल आउटफिट, फुल स्लीव में है, काफी अच्छा लगता है, काफी कंफर्टेबल मटेरियल है, इससे मैंने ही अपने लोकल रिसेलर से लिया है, सो आई कांट प्रोवाइड यू एनी लिंक। एंड लुक द वर्क इज सो ब्यूटीफुल एंड इट्स मैचिंग विद माई मेकअप ऑल्सो विद दिस झुमका। एंड नाउ द लिप शेड यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा टर्न आउट हुआ है, काफ़ी सुंदर सा शेड है एंड दैट्स द लुक, आई एम जस्ट लविंग इट सो मच। आपको ये लुक कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल इज एब्सोल्युटली फ्री एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं नई वीडियो लो आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए। Moreover, share this video with your family and friends because sharing is caring. Very happy Eid Mubarak to everyone. Till then, see you in the next video. Bye-bye.